हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम एट्थ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको दो ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जिससे आप किसी चीज को पुश करके या पुल करके उस चीज के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उस चीज का स्टेट ऑफ मोशन कैसा होगा, वो चीज रेस्ट पर होगी। जब कोई चीज रुकी हुई होती है तो हम कहते हैं कि वो चीज रेस्ट पर है। और अगर कोई चीज चल रही है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन कैसा होगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन मूविंग होगा, यानी कि उस चीज में एक मूवमेंट होगी। और हमें दो ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जिसमें आप पुश करके या पुल करके किसी चीज के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाते हैं। जैसे कि आप पुश करके या पुल करके किसी रुकी हुई चीज को चला देते हैं, या फिर पुश या पुल करके किसी चलती हुई चीज की स्पीड ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, या फिर पुश या पुल करके आप किसी चलती हुई चीज को रोक देते हैं। पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स एग्जांपल्स ऑफ पुश। तो पहला एग्जांपल है पुश का, वे पुश अ डोर टू ओपन इट। जब हम किसी डोर को पुश करते हैं तो वो डोर ओपन हो जाता है, और पुश करने से डोर के स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंज आता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक डोर रुकी हुई पोजिशन में है और आप उसे पुश करते हैं तो उसमें एक मूवमेंट होती है और वो डोर ओपन हो जाता है। पुश का सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल एंड पुशेज इट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक फुटबॉल प्लेयर बॉल को किक करता है और पुश कर देता है, और बॉल को किक करने से उस रुकी हुई बॉल में एक मूवमेंट आ जाती है, यानी उस बॉल के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है। अब हम पुल के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पुल का पहला एग्जाम्पल है, वी पुल अ ड्रॉअर टू ओपन इट। जब आप किसी ड्रॉअर को पुल करते हैं, यानी जब आप किसी ड्रॉअर को खींचते हैं, तो वो ड्रॉअर ओपन हो जाता है। और पुल का सेकेंड एग्जाम्पल है, अ हॉर्स पुल अ कार्ट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एक घोड़ा कार्ट को खींचता है, कार्ट का मतलब होता है ठेला, तांगा या बग्घी, तो जब एक हॉर्स यानी कि एक घोड़ा कार्ट को खींचता है तो कार्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है और वो कार्ट मूव करने लगती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धकेलना। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें दो ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं जिनमें किसी चीज पर फोर्स लगाने से उस चीज की शेप में चेंज आ जाता है। फोर्स लगाने का मतलब होता है स्टूडेंट्स बल लगाना, ताकत लगाना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, वेन वी प्रेस द क्ले इट्स शेप इज चेंज्ड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप क्ले को प्रेस करते हैं, यानी कि जब आप क्ले पर फोर्स लगाते हैं, तो क्ले की शेप चेंज हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल है, वेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड इट्स शेप इज चेंज्ड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि जब आप रबर बैंड को खींचते हैं, तो रबर बैंड की शेप चेंज हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस दिए गए स्टूडेंट्स, और हमें उन ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है, टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि कुएं से पानी निकालने के लिए आपको रस्सी को क्या करना पड़ता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कुएं से पानी निकालने के लिए आपको रस्सी को पुल करना होता है, यानी कि रस्सी को खींचना होता है। तो यहां पर सही आंसर है पुल, तो यहां पर आप लिखेंगे पुल। बी पार्ट में हमसे कहा गया है, अ चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करती है। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको यह समझाया था स्टूडेंट्स कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है। तो यहां पर सही आंसर है अट्रैक्ट्स, तो यहां पर आप लिखेंगे अट्रैक्ट्स, यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है।
सी पार्ट में हमसे कहा गया है टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक लोडेड ट्रॉली को मूव कराने के लिए यानी कि एक भरी हुई ट्रॉली को मूव कराने के लिए हमें क्या करना होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक लोडेड ट्रॉली को मूव कराने के लिए यानी कि एक भरी हुई ट्रॉली को मूव कराने के लिए या तो आप उस ट्रॉली को पुल करेंगे या फिर पुश करेंगे, क्योंकि पुल करने से भी वो ट्रॉली मूव होगी और पुश करने से भी वो ट्रॉली मूव होगी। तो यहां पर सही आंसर है पुल और पुश। तो यहां पर आप लिखेंगे पुल और पुश। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धकेलना। डी पार्ट में हमसे कहा गया है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ क्या करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है यानी कि उससे दूर भागता है। तो यहां पर सही आंसर है रिपेल्स। तो यहां पर आप लिखेंगे रिपेल्स। यहां पर यह भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और ऐसे ही एक मैग्नेट का साउथ पोल भी दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करता है। तो अगर आपको दो मैग्नेट्स को आपस में जोड़ना है तो आपको एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल से जोड़ना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन आर्चर स्ट्रेचेज हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। आर्चर का मतलब होता है स्टूडेंट्स धनुर्धर यानी कि तीर चलाने वाला। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि तीर चलाने के लिए धनुष को खींचना पड़ता है। तो यहां पर हमसे कहा गया है कि एक आर्चर है जो अपने बो को स्ट्रेच करती है यानी कि धनुष को खींचती है टारगेट को सेट करते समय। शी देन रिलीजेस द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवार्ड्स द टारगेट। और फिर ये आर्चर एरो को रिलीज कर देती है और ये एरो टारगेट की तरफ मूव करता है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहां पर हमें कुछ टर्म्स दिए गए स्टूडेंट्स और हमें इन टर्म्स का यूज करके ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। और ये टर्म्स है मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। ए पार्ट में हमसे कहा गया है टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स डैश। इसका यह मतलब स्टूडेंट्स कि जब आर्चर बो को स्ट्रेच करता है यानी कि धनुष को स्ट्रेच करता है खींचता है तो बो में यानी कि धनुष में किस तरह का चेंज आता है। तो यहां पर आंसर है स्टूडेंट्स शेप, क्योंकि जब आर्चर बो को स्ट्रेच करता है तो बो की शेप में चेंज आता है। तो यहां पर आप लिखेंगे शेप। बी पार्ट में हमसे कहा गया है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि बो को स्ट्रेच करने के लिए यानी कि बो को खींचने के लिए आर्चर जो फोर्स लगाता है वो कौन सा फोर्स होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि बो को स्ट्रेच करने के लिए आर्चर जो फोर्स लगाता है वो आर्चर की बॉडी के मसल्स का फोर्स होता है। तो यहां पर सही आंसर है मस्कुलर। तो यहां पर आप लिखेंगे मस्कुलर। सी पार्ट में हमसे कहा गया है द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि वो फोर्स जिसकी वजह से एरो के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, यानी कि वो कौन सा फोर्स होता है जिसकी वजह से एरो आगे की तरफ मूव करता है। अभी हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि तीर चलाने के लिए बो को स्ट्रेच करना पड़ता है और बो को स्ट्रेच करने के लिए मस्कुलर फोर्स लगता है और मस्कुलर फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो यहां पर आंसर है कॉन्टैक्ट। तो यहां पर आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट। डी पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एरो अपने टारगेट की तरफ मूव करता है तो उस एरो पर कौन से दो फोर्स लगते हैं।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब एरो अपने टारगेट की तरफ मूव करता है तो उस एरो पर एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगता है, यानी कि अर्थ उस एरो को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और उस एरो पर फ्रिक्शन ऑफ एयर भी लगता है, यानी कि जब हवा में एरो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है तो हवा उस एरो को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। तो यहां पर सही आंसर है ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो यहां पर आप लिखेंगे ग्रेविटी और यहां पर आप लिखेंगे फ्रिक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें चार सिचुएशंस दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इन सिचुएशंस में फोर्स कौन लगा रहा है और ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, और हमें यह भी बताना है कि फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। स्क्वीजिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स निचोड़ना। जब आप नींबू को निचोड़ते हैं, अपनी उंगलियों से दबाते हैं उसका जूस निकालने के लिए, तो हमें यह बताना है कि इस सिचुएशन में फोर्स कौन लगाता है, फोर्स किस पर लगता है और उस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। पहले हम इन चारों सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम वन बाय वन इन चारों सिचुएशंस के आंसर्स आपको बताएंगे। बी पार्ट में हमसे कहा गया है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप टूथपेस्ट ट्यूब में से पेस्ट निकालते हैं तो फोर्स कौन लगाता है, फोर्स किस पर लगता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। सी पार्ट में हमसे कहा गया है, A rod suspended from a spring while its other end is on a hook fixed to a wall. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब आप एक स्प्रिंग के साथ लोड सस्पेंड करते हैं, यानी जब आप एक स्प्रिंग के साथ वेट लटका देते हैं, तो फोर्स कौन लगाता है, फोर्स किस पर लगता है और उस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। डी पार्ट में हमसे कहा गया है, An athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एथलीट जंप करता है बार को क्लियर करने के लिए, बार का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब एथलीट रन करता है तो उसके रास्ते में उसके ट्रैक पर बार होता है, यानी कि रुकावट होती है, और इस बार को क्रॉस करने के लिए एथलीट को जंप लगानी पड़ती है, और हमें यह बताना है कि जब एथलीट जंप करता है तो फोर्स कौन लगाता है, फोर्स किस पर लगता है और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। अब हम इनके आंसर्स को देखेंगे। ए पार्ट में फोर्स लगाने वाला एजेंट है फिंगर्स, और ऑब्जेक्ट जिस पर इस फोर्स का असर होता है वो ऑब्जेक्ट है लेमन, और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, लेमन जूस इज एक्सट्रैक्टेड आउट, यानी कि लेमन जूस बाहर आ जाता है। बी पार्ट में फोर्स लगाने वाला एजेंट है फिंगर्स, और जिस ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स लगता है वो ऑब्जेक्ट है टूथपेस्ट ट्यूब, और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, टूथपेस्ट कम्स आउट ऑफ द ट्यूब, यानी कि टूथपेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाती है। सी पार्ट में फोर्स लगाने वाला एजेंट है लोड, यानी कि वेट, और जिस ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग, और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन शेप ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग की शेप में चेंज आ जाता है। डी पार्ट में फोर्स लगाने वाला एजेंट है एथलीट, और ये फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर लगता है वो है एथलीट्स बॉडी, और इस फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, एथलीट जंप्स ओवर द बार, यानी कि एथलीट बार के ऊपर से कूद जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार हैमर से एक हॉट पीस ऑफ आयरन को स्ट्राइक करता है, यानी कि पीटता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, और हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि हैमरिंग से यानी कि पीटने से स्ट्राइक करने से जो फोर्स लगता है उस फोर्स का पीस ऑफ आयरन पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर है, व्हेन अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन ही यूजेस हिज मस्कुलर फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एक ब्लैकस्मिथ यानी कि लोहार एक हॉट पीस ऑफ आयरन को हैमर करता है, यानी कि उसे स्ट्राइक करता है, पीटता है, तो ब्लैकस्मिथ अपने मस्कुलर फोर्स को यूज करता है। दिस मस्कुलर फोर्स
चेंजेस द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि यह मस्कुलर फोर्स पीस ऑफ आयरन की शेप को चेंज कर देता है। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि पहले तो आपने एक इन्फ्लेटेड बैलून को यानी कि फूले हुए गुब्बारे को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब किया यानी कि रगड़ा, और उसके बाद उस बैलून को एक वॉल के साथ प्रेस कर दिया यानी कि एक वॉल के साथ लगा दिया। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल, यानी वो जो बैलून था वो वॉल के साथ दीवार के साथ चिपक गया। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें यह बताना है कि वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से बैलून और वॉल के बीच में अट्रैक्शन हुआ, यानी कि वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से बैलून वॉल से चिपक गया। इस चैप्टर की कीवर्ड्स वाली वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था स्टूडेंट्स कि जब किसी चीज में चार्ज आ जाता है तो वो चीज किसी चार्ज बॉडी को या किसी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये बैलून वॉल के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही चिपकता है। व्हेन वी रब द बैलून विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इट गेट्स चार्ज्ड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब करते हैं यानी कि रगड़ते हैं तो वो बैलून चार्ज हो जाता है, यानी कि उस बैलून में इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जिसकी वजह से एक चार्ज्ड बॉडी एक अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर यही लिखा गया है, व्हेन दिस चार्ज्ड बैलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इट स्टिक्स टू द वॉल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब एक चार्ज्ड बैलून को वॉल के साथ प्रेस किया जाता है यानी कि वॉल के साथ लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से यह चार्ज्ड बैलून वॉल के साथ चिपक जाता है। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वॉटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने पानी से भरी एक बाल्टी को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और वो बाल्टी ग्राउंड से ऊपर है, यानी कि वो बाल्टी आपके हाथ में लटकी हुई है, और हमें यह बताना है कि उस बाल्टी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि उस बकेट पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस की वजह से उस बकेट के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज क्यों नहीं आता है, यानी कि बकेट पर फोर्सेस लगने के बाद भी वो बकेट ना तो ऊपर की तरफ जाती है ना नीचे की तरफ आती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, फोर्सेज एक्टिंग ऑन बकेट आर एज फॉलोज, यानी अब हम ये देखेंगे कि उस बकेट पर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब बाल्टी को आप अपने हाथ से लटकाते हैं तो उस बाल्टी पर उस बकेट पर दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, एक तो होता है आपका मस्कुलर फोर्स और एक होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, और मस्कुलर फोर्स बकेट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स बकेट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसकी वजह से जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है और बकेट ना तो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस आंसर में यही लिखा हुआ है, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स एक्टिंग अपवर्ड, यानी कि मस्कुलर फोर्स बकेट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बकेट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। दीज टू फोर्सेस डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एज अ रिजल्ट नेट फोर्स इज जीरो। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाता है
और बकेट की स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि बकेट ना तो ऊपर की तरफ जाती है ना नीचे की तरफ जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट को ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है। नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब रॉकेट लॉन्चिंग पैड से ऊपर की तरफ जाता है तो रॉकेट पर कौन से दो फोर्सेस काम करते हैं, हमें उन दो फोर्सेस के नाम बताने हैं। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड आर। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो रॉकेट पर कौन से दो फोर्सेस लगते हैं। तो रॉकेट पर जो पहला फोर्स लगता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ रॉकेट को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। और रॉकेट पर दूसरा फोर्स लगता है फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर। और जब रॉकेट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और रॉकेट को रोकने की कोशिश करता है। टेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल कैप्ड इन वॉटर एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। हम इस क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब ड्रॉपर का नोजल पानी में होता है और आप ड्रॉपर के बल्ब को प्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं तो ड्रॉपर में जो हवा होती है वो हवा बबल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब वॉटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम बल्ब से प्रेशर हटा देते हैं तो ड्रॉपर में पानी भर जाता है। द राइज ऑफ वॉटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, यानी कि हमें यह बताना है कि ड्रॉपर में जो पानी भर जाता है वो किसकी वजह से भरता है। और यहां पर हमें इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि ड्रॉपर में जो पानी भरता है क्या वो प्रेशर ऑफ वॉटर की वजह से भरता है, या फिर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की वजह से भरता है, या फिर शेप ऑफ रबर बल्ब की वजह से भरता है, या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से भरता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से ड्रॉपर में पानी भरता है। अब हम डायग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को समझेंगे स्टूडेंट्स। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि ये एक ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर में यहां पर ये रबर बल्ब है और ये ग्लास ट्यूब है और यहां पर ये नोजल होता है जो पानी के अंदर है। यहां पर एक छोटा सा छेद होता है स्टूडेंट्स, और जब आप रबर बल्ब को दबाते हैं प्रेस करते हैं तो रबर बल्ब के दबाने से क्या होता है कि जब आप रबर बल्ब को दबाते हैं तो रबर बल्ब और इस ग्लास ट्यूब में जितनी भी हवा होती है वो बबल्स के रूप में बाहर निकल जाती है। यानी कि रबर बल्ब को दबाने से इस ड्रॉपर में एयर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि हवा ड्रॉपर से बाहर निकल जाती है और उसके बाद पानी पर एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है और इस एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से पानी ड्रॉपर के अंदर चला जाता है। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्यों है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।